वैसे तो आईपीएल का हर सीजन ही काफी स्पेशल होता है, लेकिन आईपीएल 2023 थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसके रूल में एक बड़ा चेंज किया गया है। इस बार हर टीम में 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर्स खेल पाएंगे। दरअसल इम्पैक्ट प्लेयर रूल के चलते ऐसा हो पाएगा। काफी डिस्कशन के बाद इस बार आईपीएल की गवर्निंग बॉडी ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल को अपनी मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये रूल क्या कहता है। तो चलिए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि आखिर इम्पैक्ट प्लेयर रूल है क्या। दरअसल इस रूल के अंडर दोनों टीम्स के पास प्लेइंग 11 के अलावा 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी होंगे, जिनमें से किसी एक को मैच के बीच में प्लेइंग 11 के किसी एक खिलाड़ी के बदले खिलाया जा सकेगा। जब दोनों टीम्स मैच से पहले टॉस के लिए उतरेंगी तो उसी टाइम कैप्टन को अपनी प्लेइंग 11 के साथ साथ उन 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम भी बताने होंगे। इन 4 में से सिर्फ एक को ही बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया जा सकेगा और पारी के 14वें ओवर तक ही इम्पैक्ट प्लेयर को ग्राउंड पर उतारा जा सकता है। जिस प्लेयर को इम्पैक्ट प्लेयर रिप्लेस करेगा फिर वो प्लेयर पूरे मैच में मैदान से बाहर रहेगा, यहाँ तक कि वो फील्डिंग भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बदलाव बीच ओवर में नहीं हो सकेगा। जब ओवर खत्म होगा या कोई विकेट गिरेगा या फिर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा उस दौरान इम्पैक्ट प्लेयर को लाया जा सकता है। इस रूल की खास बात तो ये है कि बैटिंग कर चुके बैटर और बॉलिंग कर चुके बॉलर के बदले भी इम्पैक्ट प्लेयर को लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में 11 से ज्यादा बैटर्स बैटिंग नहीं कर सकते हैं। इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से इस रूल की शुरुआत की गई। उस टाइम कहा गया था कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसे आईपीएल में भी लागू कर दिया जाएगा और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसे आईपीएल में भी लागू करने का फैसला लिया गया है। लेकिन बीसीसीआई ने इस नए रूल को इंट्रोड्यूस करते हुए ये भी साफ किया था कि ये रूल किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। ये पूरी तरह से टीम्स पर डिपेंड करता है कि क्या वो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। अगर किसी टीम को यूज नहीं करना तो ना करे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब क्रिकेट में इस तरह का रूल आया हो, बल्कि इसके पहले 2005 में आईसीसी एक ऐसा रूल लेकर आई थी जिसका नाम था सुपर सब। इसके तहत अगर सुपर सब प्लेयर को आउट हुए बैटर की जगह लाया गया है तो वो फिर से बैटिंग नहीं कर सकता, और वैसे ही अगर वो बॉलिंग कर चुके बॉलर की जगह आया है तो फिर से बॉलिंग करने नहीं दी जाएगी। हालांकि आईसीसी ने कुछ क्रिटिसिज्म के बाद ये रूल वापस ले लिया था। इसके अलावा बिग बैश लीग में भी इस तरह का एक रूल है जिसका नाम है एक्स फैक्टर। तो फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन देखना होगा कि क्या आईपीएल में भी ये उतना ही सक्सेसफुल रह पाता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और